अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि गाइस कुछ टाइम पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की चीज़ लॉन्च कर दी है गाइस, जो कि है गाइस विंडोज़ 365। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है गाइस। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो विंडोज़ 365 है गाइस, ये ऐसा फीचर है कि गाइस आप अपने विंडोज़ को क्लाउड कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना सिस्टम कहीं भी साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने विंडोज़ को क्लाउड पर सेव कर सकते हैं और वहीं से ही आप कुछ पैसे देकर उस सर्विस को ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही न्यू है, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं आपको बहुत ही कम पैसों में, एक बहुत ही अच्छा CPU, RAM और स्टोरेज आपको क्लाउड पर प्रोवाइड कर देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और गाइज अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी गाइज ये कदम उठा दिया, और गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का कदम है। गाइज अगर मैं इसकी लॉन्च की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर ये 2 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, और गाइज अब हम देखते हैं कि 2 अगस्त को आखिर माइक्रोसॉफ्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसकी क्या प्राइस होगी, क्या लेटेंसी होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर है वो क्लाउड पर रहेगा, सिर्फ आप उसे ब्राउजर के जरिए से एक्सेस कर रहे होंगे, तो गाइज ये सभी चीज़ें हमें तभी पता चल सकेंगे गाइज यहाँ पर जब ये लॉन्च होगा। और गाइज क्योंकि गाइज आजकल माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है, यहाँ पर पहले उसने विंडोज़ 11 को अनाउंस कर दिया, जो कि उसने कहा था कभी भी अनाउंस नहीं करेंगे, फिर उसने अचानक से कदम उठाकर विंडोज़ 11 को अनाउंस कर दिया। उसके अलावा इसने को पायलट के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहाँ पर आप यानी कि कोड जो है, अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं डेफिनेटली आप इसके मतलब जानते होंगे, को पायलट गाइज एक इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गिटहब के ऊपर, कि वहाँ पर आप जो ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि आप ऑटोमेटिकली कोड कर सकते हैं, मीन कि आप कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा कदम है, वहाँ पर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने ये कदम उठा दिया, और वो भी प्रीमियम है, अब वो भी फ्री नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है गाइज। और गाइज यहाँ पर अब थर्ड नंबर पर इन्होंने गाइज यहाँ पर ये विंडोज 365 को लॉन्च कर दिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ इसका लॉन्च होने का, और गाइज देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से परफॉर्मेंस आने वाली है माइक्रोसॉफ्ट 365 की। और गाइज आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल बनाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।